हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक और वीडियो में। तो आज का वीडियो कोई इतना हाईफाई नहीं होने वाला है। आज बस मैं अपने कस्टम मोड के ऊपर आपको एक अच्छे से वीडियो बनाकर बताने वाला हूं और मैं आप लोगों को सारी सेटिंग्स बता दूंगा, लाइक मैं कैसे खेलता हूं और मैं कैसे कंट्रोल करता हूं अपने हर एक एक्शन को, मैं कैसे कंट्रोल करता हूं, तो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। इवन अगर आप लोग अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताओगे और अगर आप लोग नए हैं और सब्सक्राइब करोगे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी, तो प्लीज कर देना। ओके, तो मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ कि एक्चुअली मैं खेलता कैसे हूँ, क्या मेरा कस्टम मोड है और सारी बातें। तो ज्यादातर मैं कमेंट सीट करता हूँ तो लोग सोचते हैं कि मैं पीसी में खेलता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं पीसी में नहीं खेलता हूँ। मेरे पास एक 3GB का डिवाइस है जिसका नाम है Realme 5 और इसका जो टोटल स्टोरेज है वो है लगभग 32GB। हाँ, गेम खेलते वक्त लैग होता है, लाइक एक टाइम तो ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा लैग हो जाता है, इवन रिकॉर्डिंग तक क्रैश हो जाती है। तो हाँ, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले बस मेरे को आप लोग का यही डाउट क्लियर करना था कि मैं कोई पीसी प्लेयर नहीं, मैं जस्ट मोबाइल प्लेयर। ओके गाइस, तो जो अभी कस्टम मोड आप देख रहे हो वो एक्चुअली मेरा ही कस्टम मोड है और मेरे कस्टम मोड में सबसे यूनिक बात मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरा लेफ्ट वाला फायर बटन है, मैं उससे सारा चीज कंट्रोल करता हूँ, लाइक फायर और सब कुछ। और जो मेन फायर बटन होता है, मैंने उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करा हुआ है, लाइक ग्लू वॉल अप्लाई करने के लिए। और सबसे यूनिक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरा लेफ्ट फायर बटन का साइज है, उसका साइज है 10 और 10 से ज्यादा मैं कभी करता नहीं हूँ, तो वो 10 पर ही रहता है। और जो मेरा ग्लू वॉल का बटन है वो मैंने ऊपर शिफ्ट किया हुआ है जहाँ पर माइक का बटन होता है, और जो क्विक वेपन स्विच का बटन होता है वो भी ठीक उसी के बगल में। मैं 3 फिंगर प्लेयर हूँ गाइस, तो जो ग्लू वॉल और क्विक वेपन स्विच का बटन है वो मैं अपने लेफ्ट फायर बटन की फिंगर से कंट्रोल करता हूँ। गाइस, आई नो आपके मन में थोड़ा सा डाउट होगा, लाइक फायर बटन साइज 10 पे खेलना, वो भी लेफ्ट फायर बटन से, क्योंकि 90% लोग तो जो है राइट फायर बटन से ज्यादातर खेलते हैं, तो मैं ऐसा कैसे कर लेता हूँ? प्रैक्टिस है गाइस, ठीक है, मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है। लाइक ज्यादातर आप मेरे सब्सक्राइबर से पूछते हो जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में, मैं ज्यादातर ट्रेनिंग ग्राउंड में ही रहता हूँ। आप लोगों ने एक बात और नोटिस करी होगी मेरा कस्टम मोड देखने के बाद, जो कि है मेरा स्कोप। और हाँ, बस स्कोप ही आपको यूनिक लग रहा होगा, बाकी जो चीज आपको यूनिक लग रही है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और स्कोप मैंने भी, स्कोप जो है मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया हुआ है बहुत, लाइक कोने पे जहाँ पर आप लोग ग्लू वॉल ज्यादातर रखते हो वहाँ पर मेरा स्कोप का बटन है। तो वहाँ से मेरे को काफी इजी होता है, लाइक ड्रैग शॉट्स एंड ऑल, तो मैं काफी कंफर्टेबल हूँ। मैं 3 फिंगर प्लेयर हूँ तो मेरे काफी अच्छा रहता है। बाकी ये चीज मैं आप लोग को भी प्रेफर करूंगा कि कभी शिफ्ट करना, क्योंकि इससे ना आप काफी जल्दी हेड शॉट मार सकते हो, ड्रैग हेड शॉट, लाइक बहुत जल्दी लग जाता है इससे, और बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो बात अलग है। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत डिफॉल्ट कस्टम मोड पे बहुत टाइम तक खेलते रहते हैं, जब तक उनका लेवल 70 पे हो जाता है इवन तब तक, तो थोड़ी बहुत चेंजेस करने चाहिए। लाइक अगर आपको अपना गेम प्ले इंप्रूव करना है तो कस्टम मोड में थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे जिससे आप चीजों को जल्दी कंट्रोल कर पाओ एंड ऑल। तो मैं भी बस ढूंढता रहता हूँ इन चीजों को। ओके, तो अब लोग पूछेंगे कि फायर बटन का साइज 10 रखने का क्या मतलब है, लाइक क्या फायदा होता है एंड ऑल। आप लोगों को पता है यूट्यूब पे ट्रेंड है, जब तक आप रेड नंबर्स नहीं मारोगे आप लोग का वीडियो कोई देखता नहीं है। तो इसी बात से थोड़ा मैं ऑफेंड हो गया था, ये बात मेरे दिल को लग गई थी जाकर। तो मैंने डिसाइड किया था कि अब जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा खाली रेड नंबर्स के ऊपर ही बनाऊंगा एक दिन। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, मेरे रेड नंबर्स लगते नहीं थे, खाली बॉडी शॉट लगते थे मेरे। इवन मेरा हेडशॉट, मेरा लेवल 70 हो गया था, मेरा स्क्वाड में हेडशॉट 20 से नीचे रहता था, 20 से ऊपर जाता नहीं था। तो सोचा मैंने कि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा एंड ऑल। तो काफी प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं हेडशॉट नहीं मार पा रहा था, तो मुझे एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन होने लग गई थी, लाइक मैं पागल सा हो गया था। तो मैंने ऐसी पागलपन में मैंने क्या किया, एक कोइंसिडेंस बोल सकते हो आप या कुछ भी बोल सकते हो, मैंने अपने फायर बटन का साइज गिराना शुरू कर दिया। पहले मैं 100 पे खेलता था तो 100 से मेरा नीचे कभी आता नहीं था, तो मैं उसको गिराते गिराते इतना मैंने उसको गिरा दिया कि मैं 10 से ऊपर मैंने फिर आज तक कभी किया ही नहीं है। लाइक 10 पे मैंने एक बार कर दिया था, तो उससे जो हेडशॉट लग रहे थे सीरियसली वो मेरे लिए काम कर रहा था। तो जो चीज मेरे लिए काम करेगी तो ऑब्वियसली मैं उस चीज को रखूंगा। तो बस यही एक रीजन है कि मैंने अपना फायर बटन का साइज 10 रखा। मैं आप लोगों को भी प्रेफर करूंगा कि कभी आप लोग भी ट्राई करना, आई नो आसान नहीं होगा लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। ओके गाइस, तो जैसे मैंने फिर रेड नंबर्स मारने शुरू किए, मैंने मोंटेजेस बनाना शुरू किए, मैं थोड़ा सा और भूखा हो गया। मुझे लगा मुझे और कुछ यूनिक करना होगा, लाइक शायद ये काफी नहीं है मेरे लिए, मेरे को भूख लगने लगी और तो मैं फिर से एक्सपेरिमेंट्स करने लगा अपने होंठ के साथ। तो एक दिन एक्सपेरिमेंट करते करते मैंने क्या सोचा कि जो मेरा लेफ्ट फायर बटन है जिससे ज्यादा लोग ग्लू वॉल ही अप्लाई करते हैं, उसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो क्यों ना मैं उससे एक बार खेल कर देखूं, लाइक उसका साइज मैं 10 करके देखता हूं। आप लोग यकीन नहीं करोगे, सीरियसली उसने मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट दिया था, इतने अच्छे हेडशॉट्स उससे लग रहे थे, लाइक मैंने आज तक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे हेडशॉट मार सकता है लेफ्ट फायर बटन, वो भी साइज 10। और उसकी एक खराब बात यह कि अगर उसको आप 10 से ऊपर करते हो तो इतने अच्छे हेडशॉट्स नहीं लगते। तो फिर तब से लेके आज तक मैंने अपना जो लेफ्ट फायर बटन है बस उसी को यूज किया है, और जो मेरा राइट फायर बटन था उसको मैं खाली ग्लू वॉल के लिए यूज करता हूँ। तो रिजल्ट काफी अच्छे थे और हेडशॉट्स काफी अच्छे लग रहे थे, इवन कभी कभी तो ऐसे हेडशॉट्स लगते थे कि जो इवन ऐसा लगता था कि कहीं मैं हैक तो यूज नहीं कर रहा हूँ एंड ऑल। और कभी आप लोग ट्राई करके देखना अपना जो लेफ्ट फायर बटन है उसको राइट साइड पर लेकर आना, और बिल्कुल जहां पर मेरा आप लोगों ने कस्टम मोड पे देखा होगा फोटो में या वीडियो में, तो उसको वहां पर शिफ्ट करके देखना और फिर एक बार ट्रेनिंग ग्राउंड खेलकर जरूर देखना, तो आप लोग को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे सच में। ओके गाइस, तो वीडियो में ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ, आप लोग को मेरी
मेरी बात समझ में आ गई होगी, बस मेरे लिए वही बहुत है। और प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करो यार, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि शायद ही कोई खेलता होगा मोबाइल पर, वो भी फायर बटन साइज 10 करके। तो प्लीज़ कर दिया करो यार सपोर्ट एंड ऑल, लाइक कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, इवन शेयर कर दिया करो, खुशी मिलती है लाइक एंड ऑल, आप लोग को पता ही है। तो मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड ठीक है।